नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही प्यारा सेशन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, नंबर 4। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और साथ ही साथ बहुत सारे मल्टीपल वीडियोज हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लेलिस्ट में सब उपलब्ध आपको हो जाएंगे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो सेशन चलाया जा रहा है यूपीपीएससी TG2 टारगेट 2020 के लिए चलाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे DMRC के मेंटेनर पद का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी जो इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट होने वाले मित्रों, इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ आपसे बताना चाहेंगे कि नए सिलेबस पे आधारित कंप्यूटर का यहाँ पे पार्ट चलाया जा रहा है, तो कंप्यूटर प्लस इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे सेशन प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं चला रहा हूँ। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो है, मतलब इसी वीडियो में 2 पार्ट आपके पास है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, तो पूरी वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन से लेटेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट, जैसे मैंने आपकी बात किया कि पहला पार्ट आपका होने वाला है कंप्यूटर का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, उनका भी हेल्प हो जाए, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं कि शॉर्टकट कैन बी क्रिएट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ठीक है, शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि शॉर्टकट कैन बी क्रिएट बाय ड्रैगिंग एंड पेस्ट। शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड पेस्ट तरीके से बनाया जाता है। शॉर्टकट कैन बी क्रिएट थ्रू शॉर्टकट विजार्ड। शॉर्टकट को शॉर्टकट विजार्ड द्वारा बनाया जाता है, और नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं। यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मित्रों, नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द दीज। इसमें से कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है जो कि इसमें से गलत स्टेटमेंट को दर्शाता हो। ठीक है, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि शॉर्टकट की टू शो डेस्कटॉप इज, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है। विंडोज़ की प्लस ई, विंडोज़ की प्लस W, विंडोज़ की प्लस D, कंट्रोल प्लस O। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज़ की प्लस D का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द माउस टेक्निक्स इज नॉट यूज इन विंडोज़। विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग और क्लिकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, लिफ्टिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शिफ्ट प्लस डेल की इन विंडोज इज यूज टू, कैसे हो, क्या करने के लिए यूज करते हैं भाई। शिफ्ट प्लस डेल की विंडोज में प्रयोग क्या होता है। टू डिलीट द सेलेक्ट आइटम्स परमानेंटली विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। सेलेक्ट किए गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले पक्के तौर पर डिलीट करने के लिए। टू कॉपी द सेलेक्ट आइटम्स, ठीक है, रीनेम द सेलेक्ट आइटम और टू क्रिएट शॉर्टकट ऑफ द सेलेक्ट आइटम। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे जल्दी से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, टू डिलीट द सेलेक्ट आइटम परमानेंटली विदाउट सेंडिंग द रिसाइकल बिन। नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आएगा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज प्लस एल की इज यूज टू, विंडोज प्लस एल की का प्रयोग होता है कहाँ पे। टू लॉक डेस्कटॉप, शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो राइट आंसर नंबर ए हो जाता है, क्या हो जाएगा, टू लॉक डेस्कटॉप। ठीक है, विंडोज प्लस एल का यूज टू लॉक डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि शॉर्टकट की टू रिबूट द कंप्यूटर इज, रिबूट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस B प्लस T, कंट्रोल प्लस C,
और कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे जल्दी से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल आल्ट प्लस डेल होगा आपका राइट आंसर। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता चले, हम आप तक सोल्यूशन लाने की कोशिश ऐसे मेरी जारी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि टू विच बिटवीन प्रोग्राम्स इन विंडोज डैश की आर यूज, ठीक है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए कौन सा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है भाई, आल्ट प्लस टैब का यूज किया जाएगा कि कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाएगा कि शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाएगा कि शिफ्ट प्लस आल्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यदि हम बात करेंगे जल्दी से तो नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है कि मूव कमांड इज यूज्ड, ठीक है, किसके लिए यूज होता है भाई, मूव कमांड का क्या कार्य है, ठीक है। टू मूव वन और मोर फाइल, टू रिमेन टू रीनेम डायरेक्टरीज और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी दीज, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा भाई, आपका राइट आंसर यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए हो जाएगा, टू मूव क्या हो जाएगा, वन और मोर फाइल का यूज यहाँ पे होता है, मतलब नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू इज, स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट क्या है, विंडोज़ लोगो, विंडोज़ लोगो प्लस एट द रेट, विंडोज़ लोगो प्लस एम और विंडोज़ लोगो प्लस एफ, ठीक। तो यदि हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, विंडोज़ लोगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट इज डन विथ द हेल्प ऑफ अ फोल्डर, फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डेस्क, ठीक है, इट इंश्योर करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, नेम फाइल, क्रिएट अ टेबल ऑफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डेस्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट एंड OS is loaded from the disk is called, जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, डेटा कंप्रेशन कहलाता है, बूट स्ट्रैप कहलाता है और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है कि जो जोपर कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों जल्दी से तो नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूट स्ट्रैप कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप रन, डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन को किस शॉर्टकट के द्वारा चलाया जा सकता है, डबल क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट, ठीक है, सेलेक्ट ओपन आफ्टर राइट क्लिक, ठीक है, प्रोसेसिंग इंटर आफ्टर सेलेक्टिंग द आइकन और ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, नंबर डी हो जाएगा आपका मित्रों, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इन तीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन वेयर फाइल्स फोल्डर एंड प्रोग्राम आर मैनेज, विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन वो मुख्य भाग जहां आप फाइल फोल्डर व प्रोग्राम्स को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बैकग्राउंड कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं और नन ऑफ दीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे ना तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर बी होगा, डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडोज प्रोग्राम इज यूज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर, फोल्डर व फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, ऐसे सीरीज का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल पैनल का प्रयोग करेंगे, एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे, ऑफिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करेंगे जल्दी से नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द
टॉप मोस्ट बार ऑफ एवरी विंडोज एप्लीकेशन इज, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, स्टेटस बार होता है? तो यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टाइटल बार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पार्ट टू का जो कि इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ से बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए और बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ यदि मित्रों यदि आपको वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है कि द सम ऑफ ऑल द करेंट एंटरिंग द नोड इज 13 एम्पियर इफ द करेंट लीव द नोड थ्रू टू डिफरेंट वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस द करेंट इन बोथ द वायर्स विल बी रिस्पेक्टिवली। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान क्या है भाई? 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दो तार से गुजरेगी तो क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका आया है UPPCL टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आया हुआ है और 2016 में आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो एक नोड पर पहुँचने वाली धारा का कुल मान कितना है? 13 एम्पियर है। ठीक है, तो अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दोनों तारों से निकलती है तो दो तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है भाई? वो क्रमशः क्या होता है? 6.5 एम्पियर के लगभग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड हीट जनरेटेड इन इट बिकम्स डैश द इनिशियल वैल्यू। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा का को क्या करें? तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी कि 1/3 हो जाएगी कि 1/3 हो जाएगी कि 9 times हो जाएगा कि 6 times हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका राय दीजिए, राय आंसर दीजिए। देखिए होगा क्या कि अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को क्या कर देते हैं कि 3 times कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न क्या होगी? ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 times हो जाएगी। मतलब एच इजक्वल टू क्या हो जाएगा? आप जानते हो I²RT होता है, हीट इजक्वल टू क्या होता है? I²RT होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पे 3 times कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का जब इंटू आप करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 I²RT हो जाएगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर सी आपका राइट आंसर फिर से हो जाएगा। ठीक है, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ वायर कैरिंग 1 ampere ऑफ द करेंट फॉर 1 second। 1 second में 1 ampere की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मित्रों। जल्दी से यदि आपको डेटा पता है तो जल्दी से क्लिक कर दीजिए। नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफिकल सिंबल, दिए गए ग्राफिकल चिन्ह से क्या दर्शाया गया है? ठीक है, सिंगल वे स्विच को बताया गया है, वेरिएबल कैपेसिटर को बताया गया है, वेरिएबल रेजिस्टर को बताया गया है या फ्यूज को बताया गया है? देखिए यहाँ पे जो ये सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट क्या है? समान है। इन द सेंस क्या, ये कैपेसिटर है और ये जो इसको इंडिकेट कर रहा है ये वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। इन द सेंस क्या, नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वेरिएबल कैपेसिटर आपका राइट आंसर होगा, नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यदि वेरिएबल रजिस्टर होता तो क्या होता? कुछ इस तरह से होता, इसका राइट आंसर इस तरह से होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा नंबर बी आपका राइट आंसर होगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 1 milliwatt शक्ति किसके बराबर होती है? ठीक है,
तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ये यूपी आरवीएनएल टीजी टू इलेक्ट्रीशियन 2016 में आया क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है यहाँ पे। यदि यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जल्दी से, यदि आपको राइट आंसर पता है मित्रों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि राइट आंसर की बात करेंगे तो 1/1000 आपका वाट राइट आंसर होगा, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियमानुसार है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है, साथ ही साथ ओम के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, फॉलो करता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि बी अपान आई यदि कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि बी अपान आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं, तो बी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, तो इन द सेंस क्या हो जाएगा, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा होता है, लीकेज करंट होता है, क्या होता है भाई। यहाँ पे चार ऑप्शन है कि क्रोड से आच्छद तक त्रिज्यत प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड के साथ साथ अक्षत प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से अपना राइट आंसर जल्दी से चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मित्रों, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है, निम्नलंबन प्रकार का, स्ट्रेन प्रकार का, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जेएमआरसी इलेक्ट्रीशियन में आया क्वेश्चन है, और यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा निलंबन प्रकार का, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है, ए बी वर्ग का, ई वर्ग का, सी वर्ग का और बी वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा नंबर सी आपका, सी वर्ग का, ठीक है, नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, राइट डाउन करते रहिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन कोर केबल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं जिनके कारण नीचे दिए गए हैं गलत कथन को खोजिए, इनमें से आपको गलत कथन को बताना है कि इनमें से जो कथन दिया हुआ है चारों, इसमें से क्या रॉन्ग है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से यदि आपको पता है मित्रों तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, तो ठीक है। यदि राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केबल का मूल्य कम होता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, तो नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रो इचिंग से, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से, इलेक्ट्रो फ्यूजन से और विद्युत लेपन से, ये आपके सीआरपे कांस्टेबल में इलेक्ट्रीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से, नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है, वीआईआर केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, लेड सीथेट केबल और ट्रेपडियोर केबल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का जल्दी से, तो राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा, लेड सीथेट केबल, ठीक है, क्या लेड सीथेट केबल, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ओवर ए टेलीफोन वायर आर मेड फ्रॉम, ओवर ए टेलीफोन लाइन निम्नलिखित किसकी बनी होती है, ये यूपीपीएससीएल TG2 में आया हुआ क्वेश्चन 2016 में, कॉपर वायर का, स्टील वायर का, एल्युमिनियम वायर का और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो नंबर बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, नंबर बी होगा राइट आंसर, क्या होता है कि स्टील वायर का यूज किया जाता है, इसका बना होता है ओवरहेड टेलीफोन लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा एक धातु चालक के द्वारा जिसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल धारा की दिशा में बढ़ता है तो प्रवाहित होती है यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो, तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके पास, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेग क्या होता है, आई अपान
एन ई इंटू ए होता है, ये रिलेशन निकल के आता है, तो नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध क्या होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी हमें कमेंट करके बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है, बहुत ही प्यारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, कि क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी होगा, कि डिपेंड ऑन द टेम्परेचर होगा, कि इंडिपेंड ऑन द ऑफ द टेम्परेचर होगा, कि उपयोग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, उपयोग में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से यदि हम बात करें तो इंसुलेटिंग सामग्री का जो प्रतिरोध होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी होता है, इन द सेंस क्या, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की नीड है हमें, ठीक है। तो प्लीज कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।